यूं तो कृष्ण अपने आप में संपूर्ण है और उन्हें किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी राधा के बिना कृष्ण को अधूरा माना जाता है। इसका प्रमाण सामाजिक रूप से विवाह न होने के बाद भी राधा नाम का कृष्ण के साथ जुड़ा होना है। यहाँ तक कि कृष्ण को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मंत्र राधे राधे को कहा गया है। जहाँ एक और कृष्ण की बंसी की तान पर गोपियों के दौड़े चले आने की कथाएं मिलती हैं, तो वहीं राधा की मात्र एक झलक पाने के लिए कृष्ण के भी दौड़े चले आने का वर्णन मिलता है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि सबके हृदय में वास करने वाले कान्हा के हृदय में स्वयं राधा का वास था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा के लिए इतना अधिक प्रेम और समर्पण होने के बाद भी कृष्ण ने राधा का त्याग कर दिया था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सच में कृष्ण चले गए थे राधा को अकेला छोड़कर। तो बिना देरी किए आपको बताते हैं कि क्या है ये कथा, आखिर कब, कैसे और क्यों छोड़ गए थे राधा को उसके कृष्णा। इस कथा का उल्लेख श्री गर्ग संहिता के 21वें अध्याय में मिलता है, जहां स्वयं हरि भक्त नारद जी कृष्ण की लीला को सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार कृष्ण वृंदावन के काम वन में राधा और गोपियों संग रास कर रहे थे। गोपियों ने कृष्ण से बंसी की तान सुनाने का आग्रह किया। गोपियों के इस आग्रह को स्वीकार कर मुस्कुराते हुए कृष्ण ने अपनी बंसी को होठों से लगा, उसके मधुर स्वरों को छेड़ा। कृष्ण की बंसुरी की उस मनमोहक धुन से सारा वातावरण गूंज उठा। वन के सभी पशु पक्षी और ब्रज की सुंदरियों के साथ साथ आकाश में देवताओं के साथ विराजमान अप्सराएं भी कृष्ण के प्रति आकर्षित होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कामदेव ने एक साथ हजारों बाण चला दिए हों। गर्ग संहिता के इस अध्याय में नारद जी आगे कहते हैं कि कृष्ण की स्तान से तीनों लोक आनंदित हो रहे थे और स्तान का सम्मोहन ऐसा था कि न केवल नदियों का जल बहना भूल गया और स्थिर हो गया, बल्कि पर्वत भी अपनी कठोरता छोड़ पिघलने लगे थे। तब गोपियों को अपने सौभाग्य पर अभिमान होने लगा। उन्हें इस बात का अभिमान होने लगा कि जिसकी बंसी की धुन से तीनों लोक मोहित हो रहे हैं, वो कृष्ण स्वयं उनके सामने है। इस अध्याय में नारद जी आगे कहते हैं कि जहां अभिमान और अहंकार का वास होता है, वहां श्री हरि का वास नहीं होता। जैसे ही गोपियों को कृष्ण के समक्ष होने का अहंकार हुआ, वैसे ही कृष्ण राधा को संग ले वहां से अंतर्ध्यान हो गए और गोपियों का सारा अहंकार और अभिमान एक क्षण में चूर कर दिया। गोपियां अपनी भूल और कृष्ण की लीला को समझ नेत्रों में आंसू लिए व्याकुल होकर कान्हा कान्हा पुकारते हुए हर ओर कृष्ण को ढूंढने लगी। नारद जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सब गोपियां कृष्ण को जहां तहां ढूंढ रही थी, लेकिन कृष्ण तो राधिका के संग संकेत वट के नीचे चले गए थे और राधा के बालों में फूल लगा रहे थे। गर्ग संहिता के इस अध्याय में ये भी कहा गया है कि उस समय कान्हा ने राधा का स्वयं श्रृंगार किया। तत्पश्चात कृष्ण राधा के साथ भद्र वन, खदीर वन और कोकिला वन में गए। उधर कृष्ण को खोजती हुई गोपियों ने चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वास्तिक, वज्र, कमल और अर्धचंद्र आदि चित्रों से युक्त कान्हा के चरण चिन्ह देखे। इन पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपियां आगे बढ़ती गई और उन चरण चिन्हों को निहारती हुई कान्हा कान्हा पुकारते हुए वह कोकिला वन जा पहुंची। तभी गोपियों का कोलाहल सुन कान्हा ने राधिका से कहा, अनेकों चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली हे राधे, सब ओर से गोपियां यहां आ पहुंची हैं। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहां से जल्दी निकल चलो। इस अध्याय में नारद जी कहते हैं कि कान्हा के प्रेम और समर्पण को देख उस समय राधा अपने रूप, यौवन व कौशल्य के गर्व में चूर हो गई। सो
अहंकार के वश में आ राधिका श्री हरि से कहने लगी, कान्हा मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ। देखते नहीं मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ, फिर मुझे कैसे ले चलोगे। नारद जी कहते हैं कि राधिका के ये वचन सुन राधिका वल्लभ श्री कृष्ण राधे के ऊपर प्रेम से अपने दिव्य पीताम्बर वस्त्र से हवा करने लगे, फिर उनका हाथ थाम कर कहा, श्री राधे अब तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो। नारद जी कहते हैं कि उस समय कृष्ण के कई बार प्रेम पूर्वक याचना करने के बाद भी राधा ने अपना पग आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि राधिका कृष्ण की ओर पीट कर चुपचाप खड़ी रही। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने राधा का हाथ थाम भूमि पर बैठ कर उनसे कहा, यहाँ अन्य गोपियाँ भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं, किंतु उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ, तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ चलने में इतना ही कष्ट है तो राधा मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुख पूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो। नारद जी कहते हैं कि कृष्ण के ये वचन सुनकर जैसे ही राधा ने कृष्ण के कंधे पर चढ़ना चाहा, वैसे ही श्री कृष्ण राधा को भी अकेला छोड़कर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने आगे कहा कि कृष्ण के अंतर ध्यान होने के बाद कीर्ति कुमारी राधा का अभिमान पल में उतर गया। जी हाँ, राधिका के अभिमान के कारण ही गर्ग संहिता के अनुसार कृष्ण राधा को वन में अकेला छोड़कर चले गए थे। तो इस प्रकार गर्ग संहिता के इस अध्याय में बताया गया है कि पहले अभिमान करने पर कान्हा गोपियों को छोड़ अंतर ध्यान हो गए, फिर राधा के अभिमान करने पर कान्हा ने गोपियों की भांति राधा का अभिमान भी क्षण में नष्ट कर दिया। नारद जी ने सत्य ही कहा है, जहाँ अभिमान और अहंकार का वास होता है वहाँ श्री हरि का वास नहीं होता। वैसे तो इस तरह की कहावतें हम जीवन में लगभग रोज सुनते हैं और प्रयोग भी करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो इन कहावतों की गहराई में उतरकर इनका अर्थ समझने का प्रयास करते हों। आशा है कि गर्ग संहिता पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अब दीजिए इजाजत, अगली रिपोर्ट में जुड़ेंगे एक नई और रोचक कथा के साथ। जाते जाते हर बार की तरह फिर कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें